नमस्कार, मैं बंसीलाल सह आचार्य राजनीति विज्ञान श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में आमंड व पावेल के संरचनात्मक पर कार्यात्मक उपागम पर चर्चा की थी। इस वीडियो में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डेविड ईस्टन द्वारा इस उपागम की बताई गई विशेषताओं और मूल मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। इस उपागम के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे और अन्य विद्वानों द्वारा इस उपागम की गई आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आमंड और पावेल द्वारा इस उपागम की बताई गई मूल मान्यताएं। आमंड व पावेल के अनुसार इस उपागम में प्रकारियों पर मूल बल प्रदान किया जाता है, पहली मान्यता। दूसरी मान्यता है प्रत्येक प्रकारी किसी न किसी प्रकार की संरचना के द्वारा किया जाता है। और तीसरी विशेषता है प्रत्येक प्रकारी एक विशेष परिवेश या वातावरण में होता है। इस तरह से इस उपागम की तीन विशेषताएं कह दो, मान्यताएं कह दो, कि इस उपागम में जो फोकस है वो है प्रकारियों पर, फंक्शन पे, और प्रकारी किसी विशेष संरचना के द्वारा किया जाता है और विशेष परिवेश या वातावरण में किया जाता है। आमंड और पावेल ने इस उपागम के दो उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य एक प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण कैसे होता है ये पता करना, और दूसरा उद्देश्य है ये पता करना कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास को कैसे निर्धारित किया जाए। आमंड व पावेल ने व्यवस्था की क्षमता पर बहुत अधिक बल दिया है। जब तक व्यवस्था सक्षम नहीं होती तब तक व्यवस्था पर्यावरण के प्रति अपनी अनुकूलनशीलता को नहीं बनाए रख पाएगी। इसलिए उन्होंने इस बात पे बहुत बल दिया है कि जो व्यवस्था है वो सक्षम होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या उगाने की क्षमता क्या होती है इस पे प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या कैपेसिटी, राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों से कुछ चीज़ें लेती है, जैसे कर लेना, वितरण की क्षमता, राजनीतिक व्यवस्था को वहाँ तक सक्षम माना जाएगा जहाँ तक वह अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाती है और व्यक्तियों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए। आमंड और पावेल द्वारा बताए गए इस उपागम की अन्य विद्वानों द्वारा अनेक आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पहली आलोचना, आमंड व पावेल ने सरकारी प्रकारियों या निर्गत प्रकारियों की विस्तार से व्याख्या नहीं की है। सिर्फ उन्होंने अपने मॉडल में तीन तरह के निर्गत प्रकारियों, जिनको उन्होंने सरकारी प्रकारी कहा है, बताए हैं। नेक्स्ट, वस्तुतः आमंड व पावेल वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अध्ययन में अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था को एक आदर्श प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए उनका यह कहना कि इस उपागम से दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था का अध्ययन हो सकता है वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट आलोचना, आमंड व पावेल के व्यवस्था के अध्ययन में व्यवस्था में अनुरक्षण या संरक्षण पर सबसे ज़्यादा बल प्रदान किया गया है। इसलिए मॉडल विकसित देशों की उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और अंतिम आलोचना है, आमंड व पावेल शक्ति के अध्ययन को अपने उपागम में कोई स्थान प्रदान नहीं किया है। धन्यवाद।